और बोले भगवान राधा हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सुनो। और बोली भगवान कहने लगे ओरी राधा मथुरा नगरी जात रे पर सोई लौट के आ परसोई लौट के आना हो रे मायदा भूल ही जाना परसोई अरे राधा कहे करो विचार री परसोई लौट जवाब दिया राधा हम दूर नहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया सिर्फ मथुरा नगरी तक जा रहे हैं और भोजन करने के बाद हम परसों लौट आएंगे। राधा बोली कुछ नहीं भगवान हम आप तुम हमसे नाराज हो हमें ऐसा लगता है। क्या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई है? हमें पता है भगवान तुम क्यों जा रहे हो क्योंकि यहाँ तुम्हें पेट भर के भोजन नहीं मिलता है। यहाँ की ग्वालनी बहुत खराब है कि यहाँ ग्वाल बाल सब गोपिका गमारन है और वहाँ उन लोग के अटा और अटार नहीं जहाँ साग बथुआ को फुवरियन के हाथ को और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। जहाँ इन लोगन की घास पूस की झोपड़ियों में रहनो पड़े वहाँ उन लोगन के अटारी अटारी लेकिन रही हो बिहारी रहने की इच्छा तुम्हारी है मोई भूल मत जइया मोई तो प्रेम की बीमारी है। राधा बोली कन्हैया जा तो रहे हो पर मुझे मत भूल जाना और तुम्हें नहीं मालूम है तुम तो मेरे बिना रह सकती हो लेकिन मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। भगवान मेरे भागवत के प्रेमी यशोदा भी रो रही है सारे ग्वाल भी खड़े हैं। जवाब दिया है कन्हैया तुम ना जाओ। भगवान कहने लगे मैया घबराओ ना हम परसों लौट करके आ जाएंगे और तुम घबराओ ना। राधा आगे कुंभड़ी और राधा और ज्यादा रोने लगी। बोले भगवान आरी रोई रही सुकुमारी सो कोई पकड़ी श्याम को राधा आगे कुंभड़ी और भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। जवाब दिया है ओरे श्याम क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है क्या तुम्हें मेरी अरे क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई
तुम हमारे बिना एक दिन नहीं रहते थे और आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, कैसी रह पाओगे? तो राधा बोली है, कैसे तुम बिन अरे खाना खाई, कैसे तुम बिन परसों तक कैसे जी पाई, बिना तुम्हारे जिंदा नहीं रही, कछु बोलो इतकारी सो कोई पकड़े शाम जो सोता कहने लगी है, पिता बिना तुम्हारे बिना ऐसे कोई नहीं रहेगा। तो भगवान बोले, बड़ी पागल हो मैया, हम परसों लौट करके आ जाएंगे। बोली परसों? बोले हाँ। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक बात और बताएं कि यशोदा ने इतनी क्यों हट करी भगवान से? कोई माँ ये नहीं सोचती, कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा मेरी आंखों से जुदा हो जाए, मेरा बेटा मेरी आंखों से चला जाए। लेकिन भगवान की थोड़ी मजबूरी थी जाने की। कौन सी? अगर कन्हैया मथुरा को नहीं जाते तो कंस को मारने वाला कोई और नहीं है। लेकिन माता बहना भाइयों, एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे कि बच्चे को संस्कार हमें वो देना चाहिए कि जो अच्छे कर्म करे। बेटा अपने पुत्र को यशोदा की ही तरह शिक्षा देनी चाहिए। मैया यशोदा बढ़िया बढ़िया शिक्षा देती थी और अपनी आंखों से एक दिन के लिए उज्जवल नहीं चाहती थी। तो यशोदा मैया से हट की है। जवाब दिया, बोले मैया हम जाएंगे जरूर, क्योंकि अपने मामा के दरबार में भोजन खाने के लिए जाएंगे, हम दुश्मनी के लिए नहीं जाएंगे। तो राधा आगे को पढ़ी और हाथ जोड़ के जवाब दिया है कन्हैया से, बोले भगवान आप तो जा रहे हो लेकिन ग्वाल वालों का क्या होगा? तो ग्वाल वाले कहने लगे, हमारा क्या होगा, हम तो साथ जाएंगे कन्हैया। यशोदा माँ बार बार रोकती रही लेकिन भगवान ने एक नहीं माने और कहने लगे, मैया हमें कंस के दरबार में जाना है और रथ में बैठे तो चलते समय एक ही बात कही मैया यशोदा ने। जवाब दिया, बेटा सुनो, जा तो रहे हो लेकिन एक बात सुनते जाओ मेरी। बोले कौन सी? तो यशोदा बोली, सुनो, चले मथुरा को भगवान और देख के यशोदा भई हैरान, चले हैं बेटा जा तो रहे हो, तुम तो
परसों लौट के आ जाना है। इतनी बात कह दी यशोदा ने। पापी कंस ने तुम ही बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया, मां से पुत्र जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना श्याम, देख के यशोदा भैया हैरान चले हैं। जवाब दिया है मैया ने, बेटा सुनो, जा तो रही हो, एक बात और सुनते जाओ। तुम लौट के जल्दी ही आना, अरे माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी ही आना, और माँ को भूल न जाना। रहा तेरी देखूं सुबह और शाम, देख के यशोदा भैया हैरान चले हैं। सतगुरुदेव भगवान की।